नमस्कार, मैं प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। खबर हल्द्वानी से है। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक बीमारी के चलते हुए कांग्रेसी नेता सुहेल अहमद सिद्दीकी ने आगे आकर गरीबों की मदद करने के लिए संकल्प लिया। गरीबों के लिए खाना और अनाज बांटने का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से एक भी दिन नॉनस्टॉप होकर लोगों की लॉकडाउन के दौरान ही मदद कर रहे हैं। कोरोना से बचाव के प्रति जागरूक करने के लिए भी बोलते दिख रहे हैं। जरूरतमंद व असहाय परिवारों को घर घर जाकर खाना, राशन, सामग्री वितरित की और साथ ही साथ कोरोना से बचने के लिए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पूरा ध्यान रखा और लोगों से अपील भी की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और घरों में रहें। और यह भी कहा कि जब तक लॉकडाउन है तब तक मैं किसी व्यक्ति को भूखा नहीं सोने दूंगा। हम मदद के लिए 24 घंटे तत्पर हैं और यह पूरी प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहेगी जब तक लॉकडाउन है। आप देख रहे हैं हल्द्वानी से मोहम्मद हनीफ की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कॉर्बेट बुलेटिन न्यूज। नमस्कार। सोहेल जी, जिस तरीके से ये कोरोना वायरस का वायरस फैला हुआ है पूरे भारत शहर में और लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान है खाने को लेके, कहीं किसी चीज़ को लेके, और जिस तरीके से आप गरीब असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं, तो क्या पैगाम देना चाहते हैं हमारे चैनल को और क्या लोगों को पैगाम देना चाहते हैं? ये किस हम लोगों ने 12 तारीख से मुहिम शुरू करी थी जिसमें हम कच्चा राशन और सब जगह ढोलक बस्ती, गफूर बस्ती, उत्तर उजाला, इंदिरा नगर आदि क्षेत्रों में हमने बांटा है। और आज से हमने नया काम शुरू करा है। आज से हमने खाना बनाकर, क्योंकि लोग परेशान ज़्यादा हैं, अब ज़्यादा दिक्कत आने लगी है खाने की, तो हमने आज से खाना बनाकर पैकिंग कर जिसमें मटर बिरयानी और ये तायरी और दाल चावल इस टाइप के सामान हमने पैक करना शुरू करा है। और ये लगातार आज से हमने मुहिम शुरू कर दी है और ये आगे लगातार जारी रहेगी। और ये माननीय नेता प्रतिपक्ष टाटा श्रीमती इंदिरा हृदय के निर्देशों पर हम ये कार्य कर रहे हैं। और हम सब लोगों से उम्मीद करते हैं और जितने हमारे सामाजिक संगठन हैं और राजनीतिक संगठन हैं, सब लोगों को आगे आकर इस समय सब गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए। और इसमें कोई किसी तरह का एहसान नहीं है, ये सब क्योंकि पब्लिक बड़ी परेशान है। और जैसा कि सबको मालूम है कि बंधुपुरा क्षेत्र गरीबी रेखा वाले 20,000 की आबादी है जिनके पास दो वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही है। और हम प्रशासन से भी उम्मीद रखेंगे कि वो लगातार प्रशासन लगातार यहाँ पर मदद करें। और मैं एक और अपील करना चाहूँगा यहाँ के लोगों से कि कृपया लॉकडाउन का कामयाब करें और अपने घरों पर रहें। हम लोग पूरी तरीके से, हमारे पास परमिशन है, हम लोगों के घरों पर जा रहे हैं और लोगों को जाकर हम सबको राशन वितरित कर रहे हैं और आगे भी ये काम कार्य चलता रहेगा। और हमारे साथ हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता सब मौजूद हैं और ये आप जैसा कि देख रहे हैं सारे पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के। और हम जो है आगे भी ये रमज़ान में इफ्तारी आदि का आयोजन करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि कर्फ्यू लगातार ये चलता रहेगा। अभी मुझे नहीं लगता कि कर्फ्यू जितनी जल्दी सरकार हटाने वाली है। इस सरकार को इतना उम्मीद होनी चाहिए कि जब के कर्फ्यू जब लगा है तो उसमें कर्फ्यू में कम से कम इनके गरीबों का खाने का इंतजाम भी करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कर्फ्यू लगा दिया और लोग अपने घरों पर आकर एसी में सो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो हमारे दूसरी पार्टी के नेता हैं, अन्य पार्टियों के नेता जैसे कि भाजपा और समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उनको भी इसमें मदद करनी चाहिए और लोगों को सहायता करनी चाहिए, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ठीक।